दोस्तों जब बात रोडीज में टास्क करने की होती है या फिर अपनी बात मनवाने की होती है तो प्रिंस नरोला एक ऐसे गैंग लीडर हैं जो कभी भी पीछे नहीं हटते अपनी बात मनवाने से या फिर कोई भी टास्क कंप्लीट करने से। देखिए इस बार हमें रोडीज के सीजन में तीन अलग अलग गैंग लीडर्स देखने को मिलेंगे। एक हमारे प्रिंस नरोला जो कि पहले से ही बहुत सारे रोडीज के सीजन के पार्ट हो चुके हैं, और उनके अलावा हमें रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी दो नए गैंग लीडर्स रोडीज में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा ही होगा कि पीआई राउंड के दौरान गौतम गुलाटी और प्रिंस नरोला के झगड़े हुए हैं, तो भैया ये बात तो मानकर चलो कि रोडीज की जर्नी पर भी बहुत सारे झगड़े होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हमें पीआई राउंड के लास्ट वाले एपिसोड में देखने को मिला था कि वहां पर शार्क टैंक इंडिया वाले अश्नीर ग्रोवर भी आए हुए थे और वो एक स्पेशल टास्क लेकर आए थे जो कि गैंग लीडर्स को करना था, जिनके कारण उनको अलग से रोडियम मनी मिलने वाली थी। तो भैया टास्क करने में तो प्रिंस नरोला पीछे रहते ही नहीं है, और उन्होंने ऐसी पिच करी अश्नीर ग्रोवर के आगे कि वो उनकी पिच को इनकार कर ही नहीं पाए और प्रिंस नरोला को मिल गए एक्स्ट्रा रोडियम। तो दोस्तों जिसके चलते अब प्रिंस नरोला के पास सबसे ज्यादा रोडियम हो गए हैं, और थ्रू आउट अगर पीआई राउंड का भी देखा जाए तो लिमिटेड रोडियम के हिसाब से भी प्रिंस नरोला ने सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट्स को अपनी टीम में डाला था, अपनी गैंग में डाला था। वहीं बात करी जाए गौतम गुलाटी और रिया चक्रवर्ती की, तो प्रिंस नरोला जो चाह रहे थे कि कंटेस्टेंट उनकी गैंग में जाए वही उनकी गैंग में जा रहा था, मतलब कि वो इतना ज्यादा गेम को डोमिनेट अभी से ही कर रहे हैं। तो दोस्तों रोड की जर्नी पर वो किस तरीके से डोमिनेट करने वाले हैं दोनों ही गैंग लीडर को। बाकी दोस्तों तीनों गैंग लीडर्स में से आपका गैंग लीडर कौन सा फेवरेट है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।